और दोस्तों आज की बात करें, आज है करवा चौथ, इसलिए जो है ना सब्जी मंडी में देख सकते हो कस्टमर जो है ना सारे के सारे लोकल, जैसे मार्केट से और बाजार से लोग शहर से ना, ये देखिए भाई यहीं पे आए हुए हैं झोले उठाकर ना, ये देखिए इस साइड पूरे में भीड़ है। सारा खर्च निकालने के बाद, तेल का खर्च निकालने के बाद और ये जो मैं साग पालक लेके आया था सब निकालने के बाद मेरे को जो दोस्तों प्रॉफिट हुआ है दोपहर तक 11:40 तक ही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो अभी सुबह के 6 बजे हुए दोस्तों और ये देखिए मौसम भाई, आजकल जो है ना ठंड होने लग गई है, हल्की हल्की ठंड होती है और जैसे चलते हैं ना बाइक पे तो हवा लगती है तो फिर ज़्यादा ठंड लगती है, और इसी से मैंने टोपी लगाई हुई है, जैकेट डाली हुई है दोस्तों। और दोस्तों आजकल की बात करूँ, आजकल मैं सबसे ज़्यादा साग पालक बेच रहा हूँ क्योंकि भाई नया नया चला है ना अभी साग पालक, और महंगा है, हालांकि 50-60 रुपये किलो है, बट जिस साइड में सब्जी बेचता हूँ उस साइड जो है ना साग पालक मेरा बहुत ज़्यादा बिकता है दोस्तों। तो चलिए अभी सब्जी मंडी चलते हैं और दिखाता हूँ आज आपको मैं क्या क्या सब्जी लूँगा और प्लस क्या क्या रेट लूँगा। तो चलिए ये देखिए बाइक अपनी बिल्कुल रेडी है और इस साइड जाऊँगा मैं अभी अपने मार्केट की साइड। तो चलिए चलते हैं सीधा सब्जी मंडी और देखते हैं आज क्या सब्जी लूँगा और प्लस क्या रेट बेचूँगा। चलिए अभी आपको सीधा सब्जी मंडी मिलते हैं, चलिए दोस्तों। फाइनली दोस्तों पहुंच चुका हूं अभी सब्जी मंडी में और ये देखिए भाई साहब, साग पालक जो है ना यहां सबसे ज़्यादा आती है और यहां से बिक गई है, ये थोड़ी सी साग बची हुई है और लाला जी बोल रहे हैं ये भी बिक गई है। तो देखता हूं भाई साहब, हालांकि साग उस साइड भी है बट वो जो है ना बाहर से आती है उत्तर प्रदेश से, और ये जो साग है ये इस साइड जो पड़ी है ये हमारे यहाँ लोकल खेतों की चलती है। तो अभी दूसरी साइड चलता हूँ, इस साइड जाके देखता हूँ भाई साहब साग मिलेगी ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर और सब्जियाँ बेचनी पड़ेगी। तो साग पालक मिला तो है पर कम मिला है, 11.5 किलो साग पालक ही हुआ है और मैं लेके जाता हूँ 50 किलो 80 किलो 70 किलो। ये देखिए दोस्तों ये थोड़ा ही मिला है, अभी देखता हूँ एक दो सब्जी और लूंगा या फिर नहीं। तो चलिए अभी ये जो साग पालक लिया ना 11.5 किलो, इसी के सबसे पहले पैसे दे देता हूँ लाला को, सामने लाला बैठे हुए हैं ना, इसे पूछ लेता हूँ कितने हुए पैसे हैं, कितने पैसे। अच्छा 300 रुपये। और दोस्तों आज की बात करें, आज है करवा चौथ, इसलिए जो है ना सब्जी मंडी में देख सकते हो कस्टमर जो है ना सारे के सारे लोकल, जैसे मार्केट से और बाजार से लोग शहर से ना, ये देखिए भाई यहीं पे आए हुए हैं झोले उठाकर ना, ये देखिए इस साइड पूरे में भीड़ है देखिए दोस्तों, इसलिए क्योंकि भाई आज करवा चौथ है ना। और आज गोभी की बात करें दोस्तों, गोभी जो है ना सब्जी मंडी में 100 रुपये किलो बता रहे हैं भाई, क्योंकि आज करवा चौथ है और बिकेगी। और हम मैं तो आजकल सब्जी नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ साग पालक, और बड़ी मुश्किल से मैंने साग पालक देखिए थोड़ा इस दुकान से करके ये देखिए पूरा किया है भाई, इसमें भी साग है, इसमें भी साग, और ये पालक है, और ये हरी मिर्च और ये अदरक। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट से बाइक के ऊपर सेट करता हूँ और फिर निकलूँगा घर पर थोड़ा नाश्ता करके, और फिर इनको साग पालक को बेच कर देखूँगा भाई आज कितने का प्रॉफिट होगा। अभी वीडियो पर बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों अभी सीधा आपको घर पर मिलता हूँ। पहुंच चुका हूं अभी घर पर और नाश्ता मैंने कर लिया दोस्तों, और ये देखिए बाइक जो है ना भाई पूरी सेटिंग कर ली है मैंने, जैसे माइक बांध लिया है, तराजू, और ये देखिए पूरी टोकरी वगैरह मैंने ले ली है, और ये उधार की कॉपी है। तो चलिए दोस्तों अभी चलता हूं उनको बेचने के लिए अपने ही गांव में। साग लो, पालक लो, साग लो, पालक लो। तो दोस्तों अभी दोपहर के 11:40 हो चुके हैं और सारा साग पालक खत्म हो गया, ये देखिए दोस्तों इसमें साग थी और इस साइड देखिए दोस्तों पालक थी, बिल्कुल खत्म हो गया, थोड़ा सा हरी मिर्च थोड़ी सी बची है, थोड़ा सा अदरक बचा है, कोई बात नहीं दोस्तों। और दोस्तों अभी दोपहर के 11:40 भाई मैंने सारा साग पालक जो है ना बेच दिया भाई, क्योंकि थोड़ा था इतना तो नहीं था। तो दोस्तों पैसे मैंने गिन लिए हैं, अभी मैं रास्ते में खड़ा हूँ, और आज जो मैं साग पालक लेके आया था मैं लेके आया था 2220 रुपये का, 2220 रुपये का। और पेट्रोल की बात करें दोस्तों, जो मैंने तेल डलवाया था वो कल ही डलवा लेता, आज मैंने नहीं डलवाया क्योंकि मैंने 250 का कल पेट्रोल डलवाया था ना, तो उसमें कल भी फेरी की थी और आज भी फेरी की थी। तो दोस्तों सारा खर्च निकालने के बाद, तेल का खर्च निकालने के बाद और ये जो मैं साग पालक लेके आया था सब निकालने के बाद मेरे को जो दोस्तों प्रॉफिट हुआ है दोपहर तक 11:40 तक ही 420 रुपये का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट है क्योंकि मैं आज साग पालक कम लेके आया था
और आपने देखा है अगर ज़्यादा मिलता तो मैं ज़्यादा साग पालक लेके आता तो शाम तक बेचता, तो शाम तक फिर अच्छा प्रॉफिट होता। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।